दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ग्रंथ अर्जन विभाग। आज हम पहला विभाग था वो, आज दूसरा विभाग ग्रंथ अर्जन के बाद जब लास्ट प्रोसेस था प्रीग्रहण के बाद पुस्तक चल जाती है तकनीकी विभाग के अंदर। तो आज हम दूसरा विभाग पढ़ रहे हैं, तकनीकी विभाग। तकनीकी विभाग के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है वर्गीकरण। तकनीकी विभाग तीन प्रोसेस हमने बताए हैं, वर्गीकरण, सूचीकरण और प्रक्रियाकरण। सबसे पहले किया जाता है वर्गीकरण। तकनीकी विभाग में पहला पॉइंट क्या है? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण के अंदर हमने एक एक पॉइंट लिखेंगे। तो जैसे ही प्रक्रियाकरण करने के बाद पुस्तक आ जाएगी तकनीकी विभाग, तो हम करेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए हमको सबसे पहले जिस बुक है उसका विषय क्या है, किस विषय से संबंधित है, इसका हमको सबसे पहले पता करना होता है। तो हम विषय, सबसे पहला पॉइंट है इसका, इसका पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। तो सबसे पहला है विषय का निर्धारण। सबसे पहले क्या किया जाता है? विषय का निर्धारण कि ये किस सब्जेक्ट की बुक है। कई बुकें होती हैं उनका सब्जेक्ट ही पता नहीं चलता। जैसे हम हिंदी है इनका तो हम पता चल जाता, मैथ है, जीके है इनका। तो कई ऐसे बुक आते हैं जिसका हमको सब्जेक्ट ही पता नहीं चलता। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है? विषय का निर्धारण किया जाता है कि ये किस सब्जेक्ट की पुस्तक है। इसके अंदर बात करें तो विषय का निर्धारण किस किस के तहत किया जाता है? तो सभी, या तो शीर्षक देख के, शीर्षक देख कर कैसे किया जाता है, या तो शीर्षक देखकर किया जाता है कि इस बुक का शीर्षक क्या है। दूसरा है उसका उपशीर्षक देखकर, शीर्षक देखकर उपशीर्षक देखकर। तीसरा है अनुक्रमणी का देखकर, अनुक्रमणी का मतलब इंडेक्स, उसका क्या देखना है? इंडेक्स, जो शुरू के अंदर इंडेक्स दिया होता है उसी को कह रहे हैं अनुक्रमणी का देखकर। उसी को देखकर हम सब्जेक्ट का निर्धारण, अगर विषय से न हो तो उपशीर्षक, उपशीर्षक नहीं तो अनुक्रमणी देखकर विषय का निर्धारण किया जाता है। या चौथा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट लिख लेते हैं, विषय विशेषज्ञ से परामर्श करके, विषय परामर्श करता या विषय विशेषज्ञ से परामर्श करो तो उस विषय का निर्धारण हो जाएगा। फिर हमको इससे पता चल जाएगा कि यह सब्जेक्ट क्या है, क्या है, किस सब्जेक्ट की बुक है, इसका हमको ये शीर्षक हमको पता चल गया। इसके बाद क्या जाएगा? वर्गीकरण। हमको वर्गीकरण की पद्धति, यानी वर्गीकरण की बहुत सारी पद्धति है। जैसे सबसे पहले डेवी डेसिमल, डीडीसी, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन, कटर कृति, इसके बाद लाइब्रेरी कॉमर्स मतलब LC, इसके बाद UDC, CC, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जो हमको इसके बाद वर्गीकरण पद्धति का चयन करना पड़ेगा, किस पद्धति से हम वर्गीकरण करना चाहते हैं। तो ये था पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट है हमारा वर्गीकरण पद्धति का चयन। इसके बाद हम वर्गीकरण पद्धति का चयन करेंगे, किस वर्गीकरण पद्धति है। तो हम एक बार सारी वर्गीकरण पद्धतियां लिख लेते हैं, लगभग 9-10 से वर्गीकरण पद्धतियां सबको हम डेट लिख लेते हैं उनकी और कौन सी वर्गीकरण पद्धति है। तो सबसे पहले लिखते हैं वर्गीकरण की पद्धतियां। तो अब शुरू करते हैं तकनीकी विभाग के अंदर वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां। तो सबसे पहले मैं इसको डेट वाइज लिखा है, जिस डेट से पहले आई थी वो इसी हिसाब से लिखा है। तो सबसे पहले आई थी DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। कब आई थी? 1876। DDC फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, 1876 के अंदर। इसके भी वर्तमान में 23 संस्करण आ चुके हैं। किसने बनाई थी ये? मेलविन डे। शुरू के तीन थे, उनका संपादन खुद ने मेलविन डे ने किया था।
दूसरी है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 के अंदर एक्सपेंसिव कटर सी ए कटर, इसको चार से में कटर है, इसकी फॉर्म को कहीं भी आप लिखा मेगा सी ए कटर लिखा आएगा, सी ए कटर कौन सी है एक्सपेंसिव क्लास, ये सी ए कटर का वर्गीकरण में भी है सूचीगण में भी है, कंफ्यूज मत होना, उसके अंदर थोड़ी डेट अलग है 1876 है और इसके अंदर एक्सपेंसिव क्लास है 1891 चार से में कटर। फिर आता है एलसी, एलसी का मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कब आई थी 1904 के अंदर और बनाया था भाई एलसी में बनाया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एलसी। फिर आता है यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल डेसिमल 1905 के अंदर आया था और इसको बनाया था पॉल ऑलमेट और हेनरी फाउंटेन ने, ये डीडीसी के पांचवें संस्करण पर है आधारित है, मतलब एक डीडीसी का संक्षिप्त रूप ही कहा जा सकता है, किस पर आधारित थी पहला इसका डीडीसी पर, डीडीसी के पांचवें संस्करण पर इस पर आधारित थी। पांचवा है सब्जेक्ट क्लास मतलब एससी, कहीं मिलेगा आपको एससी लिखा मिलेगा सब्जेक्ट क्लास का भाई 1906 के अंदर और इसका बनाया था कि जेडी ब्राउन के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है सब्जेक्ट क्लास में जैसे बनाया था 1906 जेडी ब्राउन और ये कहाँ का था ब्रिटेन का था, आप इसको लिख लेना कहाँ का था ये ब्रिटेन का था जेडी ब्राउन। फिर आता है छठा कोलन क्लासिफिकेशन अपने भारत के अंदर, कोलन क्लासिफिकेशन का भाई 1933 के अंदर एस आर रंगनाथन ने बनाई थी, इसके बीच वर्तमान में 7 संस्करण आ चुके हैं एस आर रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन। फिर आती है सातवीं बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी का भाई 1935 के अंदर आई थी बिब्लियोग्राफी क्लास हेनरी ब्लिप्स, डेट के अनुसार है 4-5-6 और 33 के अंदर कोलन और 35 के अंदर बिब्लियोग्राफी क्वालिफिकेशन हेनरी ब्लिप्स। अगली आती है आठवीं, आती है रीडन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आर आई सी को लिखा जाता है रीडन इंटरनेशनल के अंदर और एफ डब्ल्यू रीडन ने इसको बनाई थी। नंबर था बॉर्ड सिस्टम ऑफ डूरिंग, कब आई थी 1978 में और बनाई थी किसने बॉर्डन के द्वारा ही बनाई गई थी। और दसवा है वर्गीकरण पद्धति आरडीएफ, कब आई थी 1997 के अंदर आई थी और इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम दोनों ने मिलकर इसको बनाई गई, इसको आरडीएफ को आरडीआई लिखी जाती है, आरडीएफ है इसको आरडीआई भी लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको ये भी वर्ड मिल जाएगा काम पे आरडीआई। शुरू के डीडीसी और एक्सपेंसिव कहाँ के थे दोनों, ये दोनों यूएसए के थे, USA मैंने इसकी आपकी जो विशेषता वो भी बता दी और ये सारी वर्गीकरण पद्धतियां ये भी मैंने आपको एक बार पूरी बता दी। ये थी वर्गीकरण की 10 पद्धतियां जो वर्तमान तक 1997 तक आ रखी है, मैंने उसको डेट वाइज लिखा है पूरा पूरा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। इसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण पद्धतियों के बाद क्या आएगा, वर्गीकरण पद्धतियों के बाद आएगा हमको जैसे हमने विषय का निर्धारण कर लिया, फिर हमने वर्गीकरण पद्धति का निर्धारण कर लिया, उनको क्या करना है बुक नंबर के लिए पद्धति का चयन करना है। बुक नंबर के चयन पद्धति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पद्धति चयन करने वाली जैसे बुक नंबर ज्ञात करना है तो हमको एक पद्धति चयन करनी पड़ेगी और रंगनाथन का बुक नंबर निर्धारण करने का फिर फॉर्मूला दे रखा है, उसके अंदर 8 पद है रंगनाथन बुक नंबर फॉर्मूला दे रखा है। और अगर आपने डीडीसी यूज किए बुक नंबर फॉर्मूले के लिए डीडीसी यूज किए तो आपको कटर ऑथर मार्क नाम से एक है पद्धति उसका यूज करना पड़ेगा, जैसे बिस्को टाइम नंबर ये किसके लिए बुक नंबर के लिए है, रंगनाथन का बुक फॉर्मूला है ये है बुक नंबर पद्धति निर्धारण करने के लिए, इसको चाहो तो आप एक बार लिख लो। कटर ऑथर मार्क इसके लिए डीडीसी का साथ के प्रयोग, जब जहां भी डीडीसी का प्रयोग करेगा वहां बुक नंबर के लिए कौन सी पद्धति यूज करेंगे कटर ऑथर मार्क ये आप यहाँ लिख लो। ये है रंगनाथन का बुक नंबर का निर्धारण, रंगनाथन का बुक नंबर फॉर्मूला है वो भी इसी के अंदर बुक नंबर निर्धारण करने के लिए ही कार्य करता है। ये हमारा था बुक नंबर निर्धारण, हमने पहले विषय का निर्धारण कर लिया, तीसरी चीज अपनी है बुक नंबर निर्धारण, बुक नंबर का निर्धारण। बुक नंबर कैसे निर्धारण करें तो सीए कटर की है कटर ऑथर मार्क ये डीडीसी के साथ प्रयोग करें, जहां डीडीसी का प्रयोग होगा वहां क्या आएगी कटर ऑथर मार्क इसका प्रयोग होगा कटर के साथ। आजकल कॉल नंबर निर्धारण होता है, कॉल नंबर आएगा और कॉल नंबर को कहा लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा टाइटल पेज के पीछे की तरफ, जो टाइटल पेज है उसके पीछे और एक्सेशन
नंबर के साथ जहाँ हमने लिखा था, मैंने बताया था पेन से लिखेंगे, टाइटल के बैठ के अच्छे से नंबर लिख लेंगे, उसके साथ में लिख दे नीचे की तरफ लिख देंगे पेंसिल से। कोर नंबर किससे लिख जाएगा? पेंसिल से लिखा जाता है और पुस्तक भेज जाती है इसके बाद सूचीकरण विभाग के अंदर। वर्गीकरण पद्धति का चयन कर लिया हमने, वर्गीकरण के अनुसार हमने उसके कोल क्लास नंबर, वर्गीकरण पद्धति है क्या, इसके अंदर निकालना है क्या, क्लास नंबर कोल नंबर जैसे निकाल दिया, वर्गीकरण पद्धति समाप्त, हमारी वर्गीकरण काम ये पूरे हो गया, वर्गीकरण का कार्य। तो इसके अंदर क्या है, एक तो आएगा क्लास नंबर, बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, ये तीन चीजों से जैसे निकला है तो इसी को सम्मिलित रूप क्या कहता था, कोल नंबर। ये तीनों को जोड़ा जाता है, बुक नंबर क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन दोनों को जोड़ते ही क्या आएगा, कॉल नंबर। ये कॉल नंबर निकलते ही वर्गीकरण पद्धति कार्य का, हमारा वर्गीकरण का पद्धति कार्य समाप्त हो जाता है यहाँ, और बुक भेज जाती है सूचीकरण विभाग के अंदर। यहाँ पर सूचीकरण वर्गीकरण हमने तीन पॉइंट लिखे, सबसे पहले विषय का निर्धारण, वर्गीकरण के तीन रहते हैं, विषय का निर्धारण, फिर सूची वर्गीकरण पद्धति का निर्धारण और बुक नंबर पद्धति का निर्धारण, ये तीन हमने लिखे थे वर्गीकरण। मैंने वो तकनीक विभाग के तीन कार्य बताए थे और सबसे पहले वर्गीकरण हमने कर लिया। अब इसके बाद आते हैं सूचीकरण, सूचीकरण पद्धति का चयन भी करना पड़ेगा आपको। सूचीकरण के अंदर बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब आया, 1841, इस तरह लगभग 10 एक है ये सूचीकरण की पद्धतियां, हम इसको एक बार लिख लेते हैं। वर्गीकरण पद्धतियों के बाद आता है सूचीकरण की पद्धतियां, सूचीकरण की पद्धतियां लगभग बहुत सारी है, मैं आपको पूरी लिखाने की कोशिश करूंगा, जितनी भी वर्गीकरण सूचीकरण की पद्धतियां सब लिखूंगा एक बार। सूचीकरण की पद्धति सबसे पहले कौन सी आई, तो ब्रिटिश म्यूजियम कोड, सबसे पहले कौन सी ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब आई, 1841 में एंथोनी पेजी नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने लेके आया था ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब आई, 1841। सीधा ही पूछना आएगा ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब आई थी, 1841 के अंदर। फिर चार्ल्स सी जेवेट कोड कब आया, 1852 के अंदर, किसने लेके आया था, जेवेट ने लेके आया था चार्ल्स सी जेवेट कोड 1852 के अंदर। फिर रूल डिक्शनरी कैटलॉगिंग बहुत बार पूछना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग, कहा किसने बनाई थी, सी ए खट्टर ने, वही खट्टर वर्गीकरण वाला है, कब आई थी, 1876 की, 1876 को ही लेकर स्थापना हुई थी। फिर चौथी है डाइजिका कोड कट भाई 1886 लेके कौन आया था, डाइजिका ही लेके आया था, डाइजिका कोड 1886। फिर आता है पांचवी प्रिंशियन इंटरेक्शन कोड कब आई, 1899, ये प्रिंशियन द्वारा ही लाया गया था, पर्शिया द्वारा लाया गया, यहाँ लिखे कहाँ पे पर्शिया, कहाँ की है, पर्शिया की, पर्शियन इंस्ट्रक्शन कोड कब आई, 1899 के अंदर। फिर आया एंग्लो अमेरिकन कोड 1908, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आर का ये यूएसए और यूके ने दोनों मिलकर बनाया था एंग्लो अमेरिकन कोड 1908। फिर आता सातवें वेटिकन कोड, वेटिकन सिटी द्वारा 1931 के अंदर बनाई गई थी, वेटिकन कोड 1931 और वेटिकन सिटी। और वेटिकन के बाद आया तिरपल सिंह रंगानाथन की अपने 1934 के अंदर, रंगाने इसके अभी वर्तमान में 5 संस्करण आ रखे हैं, और ये किसने बनाई, ऐसा रंगानाथन द्वारा ही बनाई गई थी तिरपल सिंह। नमी है ALA रूल्स और कैटलॉगिंग, ALA रूल्स फॉर कैटलॉगिंग कब आई, 1949 के अंदर, और बनाई थी यूएसए ने, ALA रूल्स फॉर कैटलॉगिंग कब आई, 1949 बनाई थी यूएसए ने। ये हमारी थी 9 पद्धतियां, और भी आगे और लिखते हैं अपने एक बार। और बात करें तो AACR फर्स्ट, ACR के दो संस्करण आ रखे हैं, ACR फर्स्ट और ACR सेकंड। तो सबसे पहले हमने 8 लिख ली, 9 लिख ली, ये 10वीं, 10वीं कौन सी, AACR फर्स्ट। ACR फर्स्ट कब आई थी, 1967 के अंदर आई थी, ACR फर्स्ट 1967 कौन लेके आया था, ALA का मतलब है कनाडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनाडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, और एक साथ में ब्रिटिश लाइब्रेरी, इन्होंने मिलकर बनाया था ACR फर्स्ट कब आई, 1967 के अंदर ACR फर्स्ट आई थी। फिर आई थी ACR सेकंड, ACR का सेकंड, ये कब आई, 1978 के अंदर आई थी,
एशिया सेकंड, इसका रिवाइज संस्करण रिवाइज पूछ ले तो 1988 यानी ये वापस रिवाइज की गई। एशिया सेकंड कप 1988 और रिवाइज 1988 को आई थी। ये कौन लेके आया था? एएलए और एलए और कनाडिया, ये तीनों ने मिलकर लाया था। एक आया था एएलए एल ए सी एल ए कनाडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन तीनों ने मिलकर बनाया था एएसआर सेकंड कब भाई 1988 और रिवाइज आया 1988 को, इसका रिवाइज संस्करण आया। फिर आता है एम ए आर सी, ये थी 11, अब लिखते अपन 12। MARC इसके भी दो संस्करण है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट आया 1967 के अंदर, फर्स्ट इसका संस्करण आया था। फर्स्ट कब आया? 1967 को। MARC फर्स्ट 1967 को आया था। कुछ नहीं पूछा MARC फर्स्ट कब आया 1967। और ये लाया कौन था? LC मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लिख लेना LC की फुल फॉर्म लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लेके आई थी। लेके कब आई? MARC फर्स्ट 1967। फिर आई थी MARC सेकंड, ये आई थी 1968 को। MRC सेकंड कब आई थी? 1968 को। ये भी कौन लेकर? LC सेम MRC फर्स्ट MRC सेकंड, ये दो जरूर याद कर लेना। एक तो ASR फर्स्ट ASR सेकंड और MRC फर्स्ट MRC सेकंड, ये डेटा मैंने साथ में और जिस सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में लिखाई थी। इसको साथ में लिखा है, नहीं तो यहाँ लिखा देता आपको इंक्लूज होता था, इसलिए साथ में लिखा MRC फर्स्ट MRC सेकंड 1967 और 1968 दोनों को LC लिख के आया था। इसके बाद आया था यूनिमार्क, यानी MRC के आगे ही लगाते हैं यूनिवर्ल्ड। ये थी 13-14 UNI यूनिमार्क MARC यूनिमार्क, ये मार्क के आगे ही लगा दिया यूनिवर्ल्ड लगा दिया। आई कब? 1977 को आई थी यूनिमार्क, 1977 को आई थी UNI MARC यूनिमार्क कब आई थी? 1977 को। इसके वर्तमान में दो और एडिशन आ रखे हैं, एक तो 80 में आया, एक 2008 में। एक है रिवाइज 1977 में आई थी 1980, और ये फर्स्ट है इसका रिवाइज, एक सेकंड रिवाइज आया। ये फर्स्ट आया 1980 और सेकंड आया 2008 को। इसके यूनिमार्क के दो अभी वर्तमान में रिवाइज आ रखे, एक 1980 और एक 2008। इसको लेके कौन आया था? ईफ्ला। कौन लेके आया था? ईप्ला। यूनिमार्क कौन? 1977 और लेके कौन आया था? ईप्ला लेके आई थी। फिर इसी यूनिमार्क को, यूनिमार्क तीन तो हो गए, एक यूनिमार्क और आ गई, 15 नंबर है अपन MARC 21 MRC 21 MARC MRC फर्स्ट सेकंड और MRC 21 तीनों का एक ही मिलेगा आपको LC, इसने लाया था LC ने लेके आए थे। MRC 21 का भाई 1999 के अंदर, और नया कौन? LC द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। MARC मार्क 21 1999 और LC द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। फिर अंतिम आई थी CCF कॉमन क्लासिफिकेशन कैटलॉग फॉर्मेट CCF, सॉरी लास्ट है CCF, जितनी वर्गीकरण पद्धतियां मैंने इसको आपको पूरी लिखाई है CCF। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, कॉमन, फुल फॉर्म क्या है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, फुल फॉर्म जरूर लिख लेना आप इसकी, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है। कब आई? 1984। CCF कब आई? 1984। और लाया कौन? यूनेस्को। CCF को कौन लाया था? यूनेस्को। ये थी हमारी 16 वर्गीकरण पद्धति सूचीकरण पद्धतियां जो मैंने आपको 16 लिखाई थी। वर्तमान के अंदर जितनी भी फर्क चल रही है मैंने आपको पूरी लिखा दी। और क्वेश्चन आता है CCF MRC की यूनिमार्क मार्क, ये जरूर एक और एक पेंथजी सबसे पहले ब्रिटिश म्यूजियम कोड 1841 वो में जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखाया है। एक बार मार्क ASR फर्स्ट सेकेंड, मार्क फर्स्ट सेकेंड, मार्क 21 और यूनिमार्क और CCF 1984 और यूनेस्को।
इसके बाद क्या किया जाता है, ये सूचीकरण किसके लिए बनाया जाता है, एंट्रियों के लिए, मतलब इसे कार्ड बनाया जाता है। अब कार्ड बनाने की दो प्रविष्टियां की जाती है, कार्ड के अंदर प्रविष्टियां की जाती है तो दो तरीके से की जाती है, एक तो वर्ड 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 बाय वर्ड और एक लेटर बाय लेटर। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ रहा था, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इतना पढ़ाया जाता है कि एंट्री व्यवस्थित करने हेतु कितनी प्रविष्टियां की जाती है, कितनी तरह से दो प्रविष्टियां की जाती है, किस तरह से दो प्रविष्टियां, दो तरह की प्रविष्टियां की जाती है, एक तो वर्ड बाय वर्ड जिसको कहते हैं शब्द प्रति शब्द, हिंदी में वर्ड मिलेगा आपको वहां इंग्लिश हिंदी एक ही मिल जाएगी, शब्द प्रति शब्द, लेटर बाय लेटर, वर्ग प्रति वर्ग, ये आपको जरूर मिलेगी। एंट्री व्यवस्थित करने की तो कितनी दो प्रविष्टियां की जाती है, और सूचीकरण किसके लिए बनाया जाता है, एंट्री व्यवस्थित एंट्री को करने के लिए, कार्ड बनाने के लिए ही किया जाता है। एंट्रीज को व्यवस्थित करने की प्रविष्टियां, एक तो है वर्ड वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड इसको कहते हैं शब्द प्रति शब्द, वर्ड बाय वर्ड मतलब शब्द प्रति शब्द। दूसरी है लेटर, लेटर बाय लेटर, वर्ग प्रति वर्ग, इस दो तरह से प्रविष्टियां की जाएंगी। मैंने हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया आपको, एंट्री व्यवस्थित करने की दो प्रविष्टियां हैं। अब सूचीकरण के अंदर सबसे पहले सूचीकरण पद्धति का हमने चयन कर लिया, इसके बाद क्या जाएगा, विषय शीर्षक सूची का चयन, मतलब विषय ट्रेसिंग के लिए काम आता है, जैसे हम सूचीकरण करते कार्ड बनाता है तो वहां एक ट्रेसिंग के लिए ऑप्शन आएगा CIE एंट्री बनाने के लिए काम आती है। क्या विषय शीर्षक सूचियों का चयन करने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपने सीसी से सूचीकरण किया है, ट्रिपल सी से सूचीकरण किया है, तो रंगानंदन ने एक पद्धति थी रंग श्रृंखला प्रक्रिया के द्वारा हम विषय शीर्षक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने सीसी से, ये लिख लेते हैं अपने एक बार, इसका दूसरा पॉइंट है सूचीकरण का विषय शीर्षक सूचियों का चयन, विषय शीर्षक सूची, और ये किसके लिए, ट्रेसिंग के लिए और सीए एंट्री के लिए काम आती है। अगर आपने ट्रिपल सी से सूचीकरण किया है, ट्रिपल सी सूचीकरण पद्धति काम के, तो रंगानाथ ने इसके लिए विषय सूचक के लिए श्रृंखला प्रक्रिया पद्धति उपयोग ली। ट्रिपल सी से किया है तो क्या आएगी, श्रृंखला प्रक्रिया पद्धति, जिसको हम आगे डीएफ के अंदर पढ़ेंगे जब सीसी के हम सेकेंड यूनिट के अंदर आएगा। ये श्रृंखला प्रक्रिया कैसे निकाली जाती है, विषय शीर्षक सूचियों विषय शीर्षक कैसे निकाला जाता है, श्रृंखला प्रक्रिया उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये यहाँ इतना ही पढ़ लो, आप ट्रिपल सी का उपयोग करेंगे तो श्रृंखला पद्धति का हमको उपयोग करना पड़ेगा, और अन्य पद्धतियों के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, हमको हम एक बार उनको भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडिंग, इसको क्या कहता है, विषय शीर्षक। तो सबसे पहली पद्धति है ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडिंग, सबसे पहले ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडिंग कब आई थी, 1895 के अंदर आई थी, सबसे पुरानी यही है, कब आई थी 1895, और लेके कौन आया था, ALA लेके आया था, और इन्हीं के नाम से खुद ने ही नाम इसका रखा था ALA, कौन लेके आया था, ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडिंग कब 1895 के अंदर आई थी। दूसरी LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडलिंग, ये वर्ड सेम ही है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडलिंग, पहले आई ALA दूसरी LC का भाई 1898 के अंदर इसको लेके कौन आया था, LC द्वारा SH सब्जेक्ट हैंडलिंग लिखा जाता है, और यही लिखा जाता है तो ALA SH इसको ये वर्ड है, क्वेश्चन मिलेगा आपको LCSH कब आई थी, तो 1898 के अंदर, ये शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगी आपको, ALSH मतलब इसका वर्ड पकड़ लेना, सब्जेक्ट हैंडिंग शीर्षक मतलब विषय निर्धारण करने, विषय शीर्षक निर्धारण करने के लिए काम आती है, ALA 1895 और LC सब्जेक्ट हैंडिंग 1898।
अगली आती है श्रेयस की, तीसरी किसकी है? श्रेयस, श्रेयस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हिंदी सेम अगला वर्ड। श्रेयस ने कब 1923 के अंदर श्रेयस की आई थी और ये किसके लिए छोटे पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है? श्रेयस की कब है? 1923। और इसका एक आप भी लिख लो, छोटे पुस्तकालयों लिए उपयोगी, छोटे पुस्तकालयों के लिए उपयोगी होने श्रेयस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडिंग का भाई 1923 के अंदर आई थी। ये थी सेल्स वाले। और चौथी अपन लिखो एक्सविन, एविक्सन, एविक्सन, और इंग्लिश में लिखे तो एवी एविक्सन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैंडिंग, एविक्सन एस एस सब्जेक्ट हैंडिंग कब आई थी? 1951 के अंदर आई थी आपको। एविक्सन सब्जेक्ट हैंडिंग कब आई? 1951 के अंदर आई थी। ये थी अपनी विषय शीर्षक सूचियों के चयन की पद्धतियां। और सिर्फ सीसी के अंदर मैंने पहले बता दिया श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, श्रृंखला प्रक्रिया पर ही। और एल ए एल सी सहेज और एक्स वी ये थी सब सब्जेक्ट हैंडिंग। फिर से इनके जब भी मिलेगा इनका आपको कहीं लिखा हुआ तो एस एच वर्ड जरूर मिल जाएगा, जैसे एल सी एस एच एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हैंडिंग तो भाई 1858 इस तरह ये मिल जाएगा आपको एक बार। ये था अपना आज तकनीकी विभाग। हमने सबसे इसके तकनीकी विभाग के अंदर सूचीकरण कर लिया, वर्गीकरण वर्गीकरण कर लिया और सूचीकरण। और इसका तीसरा भाग है प्रक्रियाकरण, जिसके अंदर वर्गीकरण और हमने पहले वर्गीकरण पद्धति उपयोग कर ली और फिर कार्ड भी बना दिए। अब उन जितने भी कार्ड के अंदर जो बाकी बच्चा काम है कि कहाँ लेबल लगाई जाती है पुस्तकालय के अंदर, डेट स्लिप की साइज क्या है, ये सब आएगा प्रक्रियाकरण। प्रक्रिया मतलब उसको प्रक्रिया के आदान प्रदान विभाग में के लिए प्रक्रिया के उपयोग के लिए लाना, और किस किस के लिए वो उसके अंदर स्लिपें लगाई जाती है, स्लिपों की साइज क्या है और उसके अंदर लेबल कहाँ लगाया जाता है, और एक गुप्त पेज होता है उस पर एक्सेस नंबर लगाया जाता है, ये सब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा।